ये देखिए चावल की दलिया के मोदक कितने प्यारे और कितने यमी लग रहे हैं। इसको खा करके आपको खीर का भी स्वाद आएगा और मोदक का भी स्वाद आएगा। तो चलिए देखते हैं ये यूनिक सी रेसिपी कि ये कैसे बनी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं चावल की दलिया से मोदक। ठीक है, इसकी जगह पर आप साबुत चावल भी ले सकते हैं। देखिए दलिया इसलिए, चावल की दलिया इसलिए जैसे कि हमें आटा, चावल का आटा जरूरत है। ठीक है, तो हमने मिक्सर में चावल पीसे, तो कितना भी आप पीस लो बिल्कुल फाइन नहीं होता है। उसमें जो मोटा मोटा दलिया की तरह निकलता है दानेदार, आपको हम पास दिखा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से ये मोटा मोटा जो निकलता है दलिया, बस उसी दलिया को हमने इस्तेमाल किया है। देखिए हम आगे क्या करते हैं। ठीक है, तो आप इसको कहीं कहीं पर इसको कनकी भी बोलते हैं, कहीं कहीं चावल की दलिया बोलते हैं। तो आज हम इसी से बनाएंगे और ऐसा स्वाद आएगा जैसे कि खीर में स्वाद आता है। ठीक है, तो हमने एक कटोरी चीनी ली है, हाफ कटोरी दलिया, तो चीनी जितनी हमें आवश्यकता लगेगी उतनी डालेंगे और ये चावल की दलिया। ठीक है, ये देखिए गाइस हमने 1 लीटर दूध लिया था, ये भैंस का दूध है। ठीक है, तो हमारा ये बॉयल हो रहा है, उसको हम बॉयल करेंगे। उसके बाद में इसमें हमें क्या करना है फिर हम देखते हैं। ये देखिए गाइस इसमें बॉयल आने लगा है। ठीक है, तो अगर आप साबुत चावल लेते हैं तो आप इसी समय पर, जिस समय बॉयल आता है उसी समय पर आप चावल ऐड कर दें, बट मीठा मत डालें। ठीक है, मीठा अगर डालेंगे तो चावल गलेंगे नहीं, अच्छे से पकेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इस दूध को गाढ़ा कर लेंगे, इसकी इतनी क्वांटिटी कर लेंगे कि ये हाफ रह जाए, अपनी क्वांटिटी से ये हाफ रह जाए। हमको बस उतना पकाना है क्योंकि हमने ली हुई है चावल की दलिया जो कि बहुत जल्दी पक जाएगी इसमें, इस वजह से दूध को हम हाफ कर लेते हैं बॉयल करते हुए, फिर डालते हैं दलिया। ठीक है गाइस, दूध गाढ़ा करते समय ये ध्यान रखें जो ये साइड में मलाई चिपक जाती है तो स्क्रेप करके इसी में ऐड करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप चावल डालते हैं तब भी आप स्क्रेप करते रहें। ठीक है गाइस, हमारा जो दूध था वो गाढ़ा हो गया है। ठीक है, तो हो गया है हाफ। ठीक है, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने चावल की दलिया। ये देखिए इसको हम ऐड करेंगे और इसको भी हम पका लेंगे इसी के साथ। ठीक है, अभी हमने चीनी नहीं डाली है। ठीक है, तो हम अब इसमें चीनी भी ऐड करेंगे इसी साथ में, क्योंकि ये हमारी चावल की दलिया है, बहुत जल्दी गल जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी। चावल जो डालते हो आप, ठीक है, तो चावल अच्छे से पकते नहीं है, इस वजह से हमें चीनी बाद में डालनी पड़ती है। तो ये हमने ले ली है चीनी 1 कटोरी, तो लगभग हम सारी डाल देंगे क्योंकि थोड़ा सा मीठा हो जाए ज्यादा अच्छा लगेगा। खीर, जैसे खीर का समझ लीजिए, जैसे खीर होती है हमारी, खीर हम बनाते हैं, तो चावल अगर हम जितने चावल लेते हैं, जैसे हमने 1 कटोरी चावल लिया तो 1 कटोरी ही हमको चीनी भी लेनी पड़ती है, उसी हिसाब से हमारा हो पाता है। ठीक है, तो इसको अब हम अच्छे से पकाएंगे, पकाते पकाते इसको थिक कर लेंगे। गाइस हमारा थिक होने लगा है। ठीक है, तो इस टाइम पर हम इसको छोड़ेंगे नहीं, चलाते हुए इसको पकाएंगे जिससे कि ये हमारा तली में लगे नहीं। ठीक है, अगर आप चावल भी डालते हैं ना तो उसमें भी जब थिक होने लगता है, इस कंसिस्टेंसी में आ जाता है, जब थिक होता है तो आप इसको छोड़े नहीं, चलाते रहें वरना तली में जल जाएगा। तो देखिए गाइस अभी हम तो उसी फ्लेम पर गर्म कर रहे हैं, फुल फ्लेम पर। ठीक है, अगर आप एडजस्ट कर पाते हैं तो इतने ही फ्लेम रखें, वरना आप धीमी फ्लेम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जलना नहीं चाहिए, फ्लेम को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ठीक है, देखिए गाइस फ्लेम हमने बिल्कुल धीमी कर दी है क्योंकि हम फूड कलर ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा, ये देखिए 2 पिंच येलो फूड कलर हमने ऐड किया हुआ, सूखा है हमारा। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे थोड़ा सा येलो कलर देने के लिए। ठीक है, ये देखिए क्योंकि इस टाइम पर मिलाएंगे ना तो पूरे बैटर में एक साथ कलर हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, या आप जिस कलर का बनाना चाहें आप उस कलर का आराम से बना सकते हैं। आप ठीक करने पर कलर अगर डालेंगे ना तो कलर एक साथ नहीं पूरे बैटर में होगा, इसी वजह से हमने ऐसे में डाला हुआ है। देखिएगा इसी स्टेज पर आप डालना चाहते हैं अगर ड्राई फ्रूट तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमने थोड़ी सी किशमिश ले ली है, ये देखिए, तो हम इसको इसमें डाल देंगे।
और आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं सारे कुछ डाल सकते हैं। कुछ नहीं भी डालना चाहते हैं, अगर फिलिंग बना के भरना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पकाएंगे ठीक होने तक। ये देखिएगा इस स्टेज पर जब आ जाता है, ठीक है, तब हम अपनी फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम ढककर पहले थोड़ी देर चलाते रहेंगे 2 मिनट, उसके बाद ढककर रख देंगे। और बहुत ज्यादा अगर ठीक कर देंगे तो ये सूखने, ठंडा होने के बाद और ज्यादा सूख जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा। तो इसको अब हम 5 मिनट के लिए ठंडा करेंगे, रेस्ट करेंगे ऐसे चला, पहले 2 मिनट चला लिया ठंडा हो जाएगा, इसको ढककर रख देंगे, उसके बाद में हम इससे मोदक बनाएंगे। गाइस एक बात और, अगर बाई चांस आपका बैटर ठीक हो जाता है तो आप देखिएगा लास्ट तक वीडियो, हम आपको उसमें बताएंगे कि अगर आपका बैटर ठीक हो जा रहा है थोड़ा सा तो आपको क्या करना है। बहुत अच्छे से मिनट हो चुका है, 5 मिनट में हमारा बैटर भी फैला दिया था, वो ठंडा हो गया है। इसको हम एक साथ करेंगे और इसको हाथ से थोड़ा सा मसल लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हो गया, इस तरह से। तो चलिए इसको हाथ से मसलते हैं, फिर हम करते हैं। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा हमने लगाया घी हाथों पर और अब इसको हम हाथ से मसल लेंगे। ठीक है, और फिर इसमें भी लगा लिया था क्योंकि हम मोदक बनाएंगे ना, तब घी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से मसल के अच्छा फाइन देंगे, बनाएंगे। ये देखिए गाइस, हमारा मसल चुका बहुत अच्छे से हो गया। तो थोड़ा सा हम हाथ में घी लगाएंगे ऐसे और अपने मोदक का सेप देंगे इस तरह से। आपके पास मोल्ड हो तो आप मोल्ड से बना लीजिए, मोदक मोल्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम सेक देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो गाइस इसमें आपको जो वो आएगा, स्वाद आएगा ना, और थोड़ा सा ऐसे दबाते हुए देखिए, इस तरह से उंगलियों में ऐसे दबाते हुए करिए तो इस तरह से, तो आपकी उंगली की छाप भी बन जाएगी, तो ये मोदक का सेप बहुत प्यारा आएगा। ठीक है, तो बना लेते हैं। देखिए एक बात गाइस और, कि इसमें खीर का भी स्वाद आएगा क्योंकि हमने इसको खीर के चावलों की तरह पका के फिर बनाया है, तो बहुत इसमें टेस्टी स्वाद आने वाला है। तो बनाते हैं फिर मिलते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। ये देखिए गाइस, लगभग 12 से 13 बनकर तैयार है हमारे मोदक। उतनी से हाफ कटोरी, ठीक है, हाफ कटोरी दलिया, हाफ कटोरी चावल की दलिया से, तो आपको सोच सकते हैं कि कितने अच्छे से, कितना यम्मी बने होंगे। और ये देखिए, और मुलायम तो इतना है कि आपको हम बता नहीं सकते, इतनी टेस्टी, इतने मुलायम यम्मी कि बहुत टेस्टी। ये देखिए कितने सारे मोदक बनकर तैयार हैं, लगभग 12 से 13 मोदक बनकर तैयार हैं उतने चावल से, ठीक है, उतने चावल की दलिया से। और देखने में तो इतना यम्मी और इतना टैम्पटिंग है कि आप खाते ही रह जाएंगे। और इसका ये है, ना गीला है इसका बैटर और ना ही इसका बैटर सूखा है। आप आराम से ठंडा करिए और आराम से बनाइए। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।